रस्ता में सूतेला पत्थर आवे छे, रस्ता में रास्ते में सोए हुए पत्थर आ रहे हैं, स्नेही का शेर। रस्ता में सूतेला पत्थर आवे छे, मने थाय के ने कहूँ, पत्थर ने कहूँ सीतावर आवे छे। अहल्या का प्रकरण है। रस्ता में सूतेला पत्थर आवे छे, मने थाय, शायर कहता कि ने कहूँ अहल्या ने कि सीतावर आवे छे, चिंता मत कर, अभी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में कहीं जड़ मती, कहीं उपल देख धरे धीर। लोग शायर कहाँ कहाँ से चुन लेते हैं। बहु जीणी जीणी, बहु जीणी जीणी बांधी छे बारिये, बहु जीणी जीणी जाली बांधी छे बारिये, एमाथी पर जीणा पत्थर आवे छे। दोष कहीं से प्रवेश कर जाए कोई ठिकाना नहीं। कहते मैं नलराजा हाथ पैर धो रहा था, अच्छी लोक कथा है कि हाथ पैर धो रहा था राजा नल दमयंती के पति देव, तो एक छोटा सा चने की दान की दाल दाल की जितना ही पानी अपनी कोरी रह गई बिना शुद्ध के, तो वहीं से कलयुग प्रवेश कर गया था। जो व्याख्यान में एक समय था कहता था नलाख्यान, वहीं से कली प्रवेश, जीना जीना मच्छर कहीं से प्रवेश कर जाए खबर नहीं, इसीलिए साधक को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा शेर है, सुनो। लागे छे बहु डर एने कई पूछवामा, लागे छे बहुज डर एने कई पूछवामा, एनो केवल हामा ज उत्तर आवे छे। एने पूछवामा बीक लागे, कारण के एनो जवाब हमेशा हा ही होगा कि हा हा करो करो करो। लंका मां पण आग नहीं लागे एने, लंका मां पण कोई साधु ना घर आवे छे, जो कल मैंने संकेत किया था। कोई माटे कवन नथी करवा, कोई ना माटे कविताओ नथी लखवी, कोई माटे कवन नथी करवा, देवता ने पण प्रसन्न नथी करवा, एटलू काम मारा हाथ ने, एटलू काम आप कि हूँ काम करी शकूँ, बाकी कवन नहीं, कि मारे मारा हाथ जोईए छे बस, बाकी जेथी करीने हूँ बीजा माटे घसाव। पण आखिरे आज पत्नी हॉस्पिटल में छे, आज पत्नी हॉस्पिटल में छे, आज सांजे भजन नथी करवा, ये भी भजन है, ये भी भजन है। पत्नी बीमार है तो भजन छोड़कर उसकी सेवा में जाना, वो पति का भजन है। इस रूप में भजन का मतलब केवल संकीर्ण मत किया जाए। डॉक्टर पूछते हैं भजनामृत कहा जाए, बिल्कुल भजनामृत। भक्ति सूत्र में नारद ने क्या कहा, ये प्रेम स्वरूपा है और अमृत स्वरूपा है भक्ति, नारद भक्ति सूत्र। भजन स्वयं अमृत है, भजन जैसा कोई अमृत नहीं। लेकिन भजन इतना जड़ न हो तो मुझे अच्छा लगा है। रोज नियम होगा उसका कि घर में रोज बेवाणी करवी सांझे, पत्नी बीमार हो तो आज भजन नहीं करो, उसकी सेवा करो, वो भजन है, यही तो भजन है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे भाई बहन, कि